खबर इंडिया 7। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सहारनपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गुर्जर भवन पर आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पैदल यात्रा भी निकाली गई, जो गुर्जर भवन से लेकर मुख्य मार्गों से होते हुए देहरादून चौक पर पहुंची, जहां सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। आज का कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती के मौके पर था। 142वीं जयंती हमने उनकी मनाई और गुर्जर भवन में प्रोग्राम रखा गया। वहाँ से हम चल के पैदल यात्रा निकाली। ये हमने गुर्जर भवन से चलकर कलेक्ट्रेट से होते हुए दीवानी कचहरी होते हुए वहाँ पर जगह जगह हमारा वकीलों द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद हम पटेल की मूर्ति पर पहुंचे। देहरादून चौक जो स्थित है वहाँ पर हम पहुंचे। लगभग हजारों की तादाद में संख्या में लोग थे। वहीं पटेल के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण करने का आह्वान किया गया। युवाओं का संदेश यही देना चाहेंगे, सरदार पटेल जी एक ऐसे महान नायक योद्धा रहे हैं। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए तो सारी रियासतों को आज़ाद करके चले गए थे। पहले गृहमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला यही काम किया, 562 रियासतों को एकीकरण करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। और ऐसा मजबूत अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो कश्मीर की समस्या जो 70 साल से देश हमारा लड़ता आ रहा, शायद वो ख़त्म हो जाती। इसलिए हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, अखंड भारत का अगर निर्माण करना है तो सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चल के एकता करके सर्व समाज को साथ लेकर वहाँ चलना चाहिए। इस दौरान सुमित गुर्जर एनकाउंटर का मामला एक बार फिर देखने को मिला। सुमित गुर्जर एनकाउंटर के बारे में सभी यही कहना है कि देश के जो मेरे देश प्रदेश के नेता गुर्जर नेता जो बार बार आते हैं कि हम गुज्जर हैं, गुज्जर रोड चाहिए, आज वो कहाँ है जहाँ सुमित गुज्जर हमारे देश का हमारे समाज का एक बच्चा फर्जी इनकाउंटर में पुलिस द्वारा मार दिया गया, प्रशासन द्वारा मार दिया गया। आज कहाँ देश मेरा गुज्जर समाज सोया है, आज मेरे कहाँ विधायक एमपी कहाँ नेता कहाँ मंत्री कहाँ सोए हुए हैं। कल आकर हम उन्हें बताएंगे 2019 और 2022 में जब वोट मांगने आएंगे उनको ईंट और पत्थर से स्वागत करेंगे, ना कि फूलों से। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है सारा मेरे समाज के कुछ लोग और कुछ पार्टियों के कुछ लोग मिलकर इस हमारे आंदोलन को दबा लिया गया। इस आंदोलन को दोबारा से सभी गुज्जर समाज अपील करना यही चाहता हूँ कि या तो इस सुमित गुज्जर इनकाउंटर में सीबीआई जांच हो या गुज्जर समाज एक मंच पाकर इन कल जो कल तोड़ मांगने आते थे और आज हमें चोट देने आए हैं उन्हें हम अपने घरों में घुसने नहीं देंगे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, यूथ गुर्जर फेडरेशन, गुर्जर महासभा समेत अन्य गुर्जर संगठनों व सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।